जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं बनाने वाला हूँ कन्नौर का न्यू फ्यूजन नूडल्स और आज इसको बनाएंगे। इसकी प्राइस मेरे को पड़ी है 350 रुपीज। चलो फिर इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। जब इसके की अनबॉक्सिंग तो अंदर से निकला एक अदद सॉस और इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला और क्वांटिटी भी ठीक ही थी। और फिर बनाना शुरू किया, सॉस को डाला पानी के अंदर, डाले नूडल्स सॉस के अंदर, फिर फाइनली तैयार हो चुके थे हमारे नूडल्स। और भाई क्या ही मज़ेदार लग रहे थे। मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे नूडल्स इस रेपर के पीछे से देख के, तो इसके वजह से मेरे को बिल्कुल भी शेफ नहीं समझना। जब ट्राई करने की बारी आई तो इसकी स्मेल इतनी बेकार थी और जब ट्राई किया तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। खुशबू के लिहाज से बहुत बेकार था और टेस्ट के लिहाज से बहुत मज़े का था। मेरे भाई ने ट्राई किया तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा। फिर किए ख़त्म नूडल्स और फिर आ गया मैं छत पे। जैसे कि आप लोगों को पता है डक्की भाई ने कराई है टिन, तो मैंने सोचा कि भाई हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं। तो भाई